हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रो ट्री अकेडमी। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट इज जीएसटी। ओके, जीएसटी मैक्सिमम लोग सुने होंगे आप लोग, व्हाट डू मीन बाय जीएसटी। ओके, जैसे ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, लुक एट हियर, इट इज योर फर्स्ट चैप्टर जीएसटी। ओके, जीएसटी मतलब क्या होता है बाबू? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। बिफोर नोइंग जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज टैक्स। ओके, क्योंकि बाबू यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअली लिखा है ना गुड एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, तो पहले बाबू आपको तो पता होना चाहिए टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। ओके ठीक है, टैक्स व्हाट इज, वेट, पहले तो आप ये जानो टैक्स होता है क्या, उसके बाद से आप जानो जीएसटी क्या होता है। ओके ठीक है, तो पहले आप ये देखो, टैक्स आप नाम सुने होंगे, टैक्स का मतलब ये होता है, जैसे आप देखते होगे कुछ भी सामान खरीदो, समझ रहे, या कुछ भी, सपोज करो आप सैलरी, सपोज करो आप पेमेंट, मान लो क्या, जैसे मान लो आप कोई जॉब कर रहे हैं, वेट ठीक, जॉब कर रहे हो तो आप बाबू मान लो, सपोज करो हम आपको देखो अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है बाबू, वेट, ठीक है ठीक है, जैसे मान लो पहले ये देखो टैक्स, टैक्स का मतलब क्या समझे, टैक्स। ओके वेट, ठीक है, टैक्स मतलब क्या होता है, जैसे ये सोचे, जैसे मान लो बाबू सपोज को आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपकी जॉब क्या है, मान लो गवर्नमेंट जॉब है। ओके, मान लो सपोज करो आपकी गवर्नमेंट जॉब, ओके, सपोज करो आपकी सैलरी बाबू, मान लो सपोज करो आपकी सैलरी कितनी है, 1 लाख, ठीक है, सपोज करो 1 लाख आपकी सैलरी है, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, तो देखो यहां ये देखो, जैसे सपोज करो आपकी सैलरी यदि 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, तो मान लो जैसे आप इसमें क्या होगा ना, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहेगी कि बाबू जब आप 1 लाख कमा रहे हो तो हमें आप इसका अपने सैलरी का हमें वो आप डिसाइड करें कि 10% हमें आप टैक्स दो, ठीक है, तो आपको जिस सपोज करो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, सपोज करो कोई एक कंपनी हो, ठीक है, इसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप गए इसमें 1 लाख, क्या सैलरी आपका 1 लाख है, ठीक है, लेकिन इस आपसे क्या होगी, गवर्नमेंट ना 10% 5% जो भी उसको लेना होगा वो टैक्स ले लेगी, तो आपका पेमेंट तो ओवरऑल हुआ 1 लाख। ओके, 1 लाख, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी बाबू, आपसे वो 10% क्या ले रही है, टैक्स ले रही है, तो आपको जो कंपनी है ना वो आपको कंप्लीट 1 लाख ना दे करके बल्कि आपको कितना पे करेगा, ये आपको 90,000। ओके, ये आपको 90,000 रुपए आपको क्या करेगा, ये पे करेगा, ठीक है, तो यानी आपका 10,000 रुपए आप गवर्नमेंट चला जाता है, ठीक है, तो ये टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स हमेशा देखना मैक्सिमम टैक्स, आप देखो इस दुनिया में ऐसा है नहीं ना कि टैक्स कहीं नहीं लगता है, हर जगह टैक्स लगता है, ठीक है, तो देखो टैक्स मतलब ये लगने का मतलब, देखो टैक्स ये ध्यान दो, टैक्स देखो एक गरीब इंसान भी टैक्स देता है और एक अमीर भी, लेकिन ध्यान दो क्या होता है, टैक्स की क्लासिफिकेशन होते हैं, ये भी टैक्स जो होता है ना बाबू मेरे दो टाइप के होते हैं, जैसे खुद सोचो, एक टैक्स होता है, वेट, जैसे आपको देखो अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ जाओगे टैक्स के बारे में, ठीक है, वैसे मोस्ट अच्छे से आप लोग वैसे जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं कि देखो टैक्स के बारे में क्या, जैसे देखो टैक्स क्या होता है कि टैक्स मतलब एक आप जैसे आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट टैक्स एक होता है वो डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जैसे खुद सोचो आप कहोगे सर डायरेक्ट टैक्स तो मतलब समझ गए हम, डायरेक्ट मतलब क्या, सपोज कर हम कोई काम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी हमें इतने पर रखी है, वो कहे कि नहीं भाई गवर्नमेंट आपसे 10% या 5% आपसे टैक्स लेगी, आपको देना होगा, ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स। ओके ठीक है, ये आपका होता है बाबू, देखो एक होता है लुक एट हियर डायरेक्ट टैक्स, ओके डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है बाबू इनडायरेक्ट, ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी अलग अलग होते हैं, देखो इनडायरेक्ट पहले नाम ही से देखो ना बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको लगेगा नहीं ना कि हमसे टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, जैसे खुद सोचो, आप खुद सोचो बाबू, जैसे मान लो आप मैक्सिमम लोग कोई क्रीम खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो,
अरे कुछ भी खरीदते हो ना, ठीक है, जैसे सपोज आपने ऑयल खरीद लिया, ठीक है, ऑयल खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया, कोई क्रीम खरीदा, ठीक है, तो बाबू सपोज करो मान लो उसकी क्या, जैसे मान लो कोई आपने क्या बिस्किट खरीदा, उसकी प्राइस मान लो क्या है बाबू, मान लो उसकी प्राइस क्या है, रुपीज 20 है, ओके, ठीक है 20 है, तो आपको तो लगेगा हम इसे 20 में खरीद लिए, ठीक है, लेकिन नहीं नहीं आप इस पे भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि हम इस पे टैक्स दिए हैं, ये एक्चुअली जिस कंपनी से आई होगी ना कुछ और रेट में आई होगी, ठीक है, तो कंपनी को कुछ और रेट दी होगी, ठीक है, ठीक है 20 से कम दी होगी, लेकिन ये आपको 20 में बेचेगा, ठीक है, और ये ना अब ये तो जो बेचेगा अब इससे ये जो भी आपसे टैक्स लिया ना ये आप 20 पूरा दोगे, जो रिमेनिंग हुआ ना ये फिर कंपनी को यहाँ मतलब जो भी है गवर्नमेंट को यहाँ से ये सप्लाई कर देगा, ठीक है, तो ये आपको इनडायरेक्ट मतलब जो भी आप सपोज करो जो भी आप कुछ भी खरीदने की चीजें मतलब खाने वाली चीजें आप खरीदते हैं ना कुछ भी उसमें आप हमेशा टैक्स देते हो, लेकिन हाँ वो आपको दिखता नहीं है, इसीलिए वो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो आप कोई आपकी कोई सैलरी है, ठीक है, आप मान लो किसी कंपनी में काम करने गए हो, आपकी सैलरी फिक्स है ये, ठीक है, उसमें से आप उसको आपकी जो भी आपके 10% 20% जो भी आपके सैलरी से जो पैसे डिडक्ट होते हैं ना डेट इज योर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो हम इसको बाबू आपको एक चार्ट के द्वारा समझाना चाह रहे हैं टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ओके, तो पहले आप देखो लुक एट हियर, देखो डायरेक्ट टैक्स लुक एट हियर, ये यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं बाबू, देखो डायरेक्ट टैक्स में ना देखो इनकम टैक्स, ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये आपके होते हैं बाबू सारे डायरेक्ट टैक्स, ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स में देखो सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जो भी ये वैल्यू एडेड टैक्स और सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारे आपके आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में, ठीक है, तो ये आपके जैसे सपोज करो बाबू कोई आप सर्विस सपोज को सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, सर्विस टैक्स भी आपके कटते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल एक्साइज जो भी ये सब होते हैं और क्या कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये सब मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो आप इनको जानोगे, ठीक है, मतलब टैक्स मतलब ओरिजिनल समझो, टैक्स मतलब जो भी हम पैसा अर्न करते हैं उससे हम हमसे गवर्नमेंट क्या करती है कुछ ना कुछ जरूर पैसे लेती है, ठीक है, डेट इज योर टैक्स, ठीक है। अब देखो बाबू जो टैक्स है ना इसी को थोड़ा सा हम समराइज करके बनाते हैं तो हमें जीएसटी वर्ड आता है, ठीक है, जीएसटी, जीएसटी का मतलब पहले ये बताओ आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, पहले तो फुल फॉर्म बताओ जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लुक एट हियर दिस दिस व्हाट आई वांट टू नो हियर, लुक एट हियर दिस जीएसटी, समझ पा रहे हैं ना, देखो जीएसटी, तो बाबू पहले ये बताओ जीएसटी का मतलब क्या, देखो जीएसटी क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लुक एट हियर गुड्स एंड सर्विस, देखो डायरेक्ट टैक्स, लुक एट जो हमने देखो आपको क्या बताया था, डायरेक्ट टैक्स आर दो टैक्स दैट आर लेवल्ड ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब समझ आप सपोज करो कोई कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उससे आपको कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है, ओके, ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स देखो दो डायरेक्ट आर पेड बाई कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन वेन दे बाई गुड्स आर सर्विस आर बो, देखो यही हमने कहा ना जब भी आप कुछ चीजें खरीदते हो जैसे बिस्किट खरीद लिए कुछ भी सामान खरीद लिए जैसे मान लो अपने कार खरीद लिया वट एवर यू कैन बाई, ठीक है, आप जो भी खरीदते हो ना उस पर आप इनडायरेक्ट टैक्स देखते हो लेकिन आपको लगता नहीं है कि हम टैक्स दे रहे हैं, ऐसा ना सोचो कि एक बहुत जो गवर्नमेंट जॉब वाला है बहुत बड़ा आदमी वही टैक्स देता है, ऐसा नहीं, वो आप भी टैक्स देते हो जो भी आप खरीदते ना, ये आप कुछ कम देते हो सकता है भाई मान लो कि कोई 5 रुपए का सामान खरीदा उसमें आपके टैक्स कम होगा, कोई बड़ा सामान खरीदा उसका टैक्स अधिक होगा, ठीक है, तो जो भी है यही आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट, लुक एट इनडायरेक्ट टैक्स आर दो डेट आर पेड बाई द कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन वेन दे बाई गुड्स और सर्विस, लुक एट अब बाबू ये बताओ व्हाट डू मीन बाई गुड्स, गुड्स का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, पहले ये बताओ गुड्स का मतलब ये हुआ, आप पहले ये बताओ गुड्स क्या समझ पा रहे हैं, गुड्स का मतलब ये हुआ ना बाबू कि जो भी चीज आप खरीदते हो, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं एक दूसरे, जैसे गुड्स, गुड्स मतलब क्या सामान कह सकते हैं ना, जो भी चीज आप खरीदते हो जैसे कार हो गया क्या क्रीम हो गया बहुत सारी चीजें हो गई, सारे गुड्स हैं, ठीक है, तो इसी को क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इनको जैसे रखा गया, ओके, ठीक। अब देखो बाबू यही सब ना आगे आपका फॉर्मेशन कर देते हैं किसका, जीएसटी, लुक एट हियर, चलो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अब देखो जीएसटी का मतलब पहले ये सोचो जीएसटी क्यों बना, क्योंकि जैसे देखो पहले आप खुद सोचो जीएसटी, देखो आपका यस ठीक है, जीएसटी देखो लुक एट हियर, ये देखो जीएसटी है गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। ओके, ये देखो ये जो भी फर्स्ट जुलाई में क्या 2107 जो भी है इनडायरेक्ट, देखो पहले एक्चुअली में वैट चलता था। वैट, वैट का मतलब क्या बाबू, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यूड एडेड टैक्स, ठीक है। लेकिन ना अब देखो ये एक्चुअली ओल्ड वाला है, ठीक है, लेकिन आप इस समय ना जीएसटी पढ़ते हो तो जीएसटी का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है। जीएसटी का मतलब पहले तो फुल फॉर्म समझो, जीएसटी का मतलब क्या है फुल फॉर्म, ठीक है। लुक एट हियर, यहां देखो जीएसटी का हम एक आपको इसको चार्ट के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। लुक एट हियर, जीएसटी इंटरेस्टेड टॉपिक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल इफ यू ट्राई। ओके, जैसे पहले देखो जीएसटी हम पढ़ रहे हैं। ओके बाबू देखो, ओके ठीक है, जीएसटी देखो पहले तो बाबू जब भी आप जीएसटी पढ़ते ना तो हमारे माइंड में आता यार जीएसटी मतलब जीएसटी है क्या, ठीक है। तो पहले ये देखो जीएसटी का मतलब, इसका मतलब जी का मतलब, लुक एट हियर, जीएसटी जी मतलब क्या, इसका पहले फुल फॉर्म भी जान जाओ ना, गुड्स, यस मतलब क्या होता है बाबू, सर्विस, सर्विसेज, और टी मतलब क्या बाबू, टैक्स। गुड्स एंड मतलब जो भी सामान हम खरीदते हैं, ठीक है, मतलब गुड्स मतलब क्या, सामान, सर्विस, या तो हम कोई सर्विस लेते हैं, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, उस पर हम सारे टैक्स पे करते हैं, बस ये सोचो, ठीक है। मतलब जीएसटी मतलब जो भी चीज हम खरीदते हैं उस पर हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, डेट इज जीएसटी। ओके, अब देखो जीएसटी पहले क्या था बाबू ना, कि डिफरेंट डिफरेंट का हमसे टैक्स लिए जाते थे। गवर्नमेंट क्या की ना, वो सोची कि जो हम जीएसटी लगा रहे हैं ये एक मतलब इस पे काम करे, क्योंकि अगर एक देश है तो मेरा एक टैक्स भी होना चाहिए। तो वो इस क्या लॉजिक पे काम की, वन नेशन एंड वन लुक एट हियर। जैसे देखो आपको हम आपके बुक में खुद दिखा देख सकते हो, लुक एट हियर, वन नेशन वन टैक्स, देखो यही हम आपसे बताना चाह रहे हैं। लुक एट हियर, जैसे गवर्नमेंट क्या सोची ना बाबू, देखो गवर्नमेंट ये सोची वन नेशन, लुक एट हियर, वन नेशन, वेट, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, इट इज क्लियर और नॉट, मतलब ये ध्यान दो, मतलब खुद सोच, अगर देश एक है मेरा तो एक टैक्स भी होना चाहिए, क्यों आप खुद सोचो, आर यू एग्री विद दिस लॉजिक और नॉट, यस, ये कोई लॉजिक मतलब सही है ना, मतलब खुद सोचो, अगर जवाब एक देश है तो वहां एक टैक्स होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ टैक्स कुछ और लगे, महाराष्ट्र में जाओ कुछ और लगे, केरल में कुछ और लगे, मुंबई में जाओ कुछ और, दिल्ली में जाओ कुछ और, नो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर गवर्नमेंट ये सोचे ना, अगर मेरा देश एक है तो फिर ठीक है, हम इसमें वन नेशन वन टैक्स के लॉजिक पर काम करेंगे। तो देखो यही आपका लिखा, वन नेशन वन टैक्स वाज द एम ऑफ द गवर्नमेंट इन क्या इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, मतलब जब भी वो जीएसटी का यदि इंप्लीमेंट करना चाहा ना तो वो सोचा कि क्या वन नेशन, लुक एट हियर, लुक एट हियर, वेट, ठीक है, गवर्नमेंट सोचा ना वन नेशन एंड वन टैक्स रखा जाए, ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब यही उसने सोच रखा था कि एक देश है तो हम एक ही टैक्स रखते, ठीक है। तो ये जीएसटी, अब बाबू देखो जीएसटी भी ना टू टाइप्स की, इनका भी क्लासिफिकेशन देखो क्या क्या होता है, देखो एक तो इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा होता है इंटर स्टेट सप्लाई। खुद सोचो, सपोज करो बाबू आप मान लो कुछ जैसे कुछ भी, सपोज करो आपने कार खरीदा, लुक एट हियर, ओके आपने कार खरीदा, तो आप सपोज करो, या सपोज करो आपने कुछ चीज खरीदा, कार खरीदा या जो भी आपने मान लो कुछ क्या कुछ मार्केट में कुछ सामान खरीदी, खाने वाली या जो भी कुछ मान लो क्या, जैसे मान लो कुछ क्रीम पाउडर, व्हाट एवर यू कैन मतलब बाई, ठीक है, आपने कुछ खरीदा और उसको आप बाबू उसको आप क्या कर रहे हो, लुक एट हियर, उसको क्या कर रहे हो, उसको आप ना क्या मतलब अपने ही देश में, अपने ही क्या स्टेट में, सपोज करो, यहां बाबू ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना, अगर जो बाबू अगर जो आपने कुछ खरीदा और अपने ही लुक एट हियर अपने ही अगर स्टेट में उसको क्या कर रहे हैं, उसको मान ले उस पर काम कर रहे हैं, मान लो कुछ आपने खरीदा आप उसको बेच रहे हैं अपने ही स्टेट में, तो इसको अगर इस टाइप को जीएसटी को बोलते हैं बाबू इंट्रा स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब ये हुआ, सपोज करो आपने कुछ खरीदा यहाँ, क्या है जैसे मान लो हमने कुछ खरीदा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में,
लेकिन हम उसको बेच रहे हैं कहाँ कहाँ, लुक एट हियर, मुंबई में, ठीक है, मुंबई, ओके, सब समझ पा रहे हैं ना। तो ये हुआ ना, अगर जो एक स्टेट से, मतलब ऐसा सोचो साहब, आप इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये सोचो, अगर जो सप्लाई, लुक एट हियर, इफ सप्लाई, इफ अगर जो सप्लाई आपका, लुक एट हियर, सप्लाई आपका मतलब क्या, सप्लाई विद इन स्टेट, विद इन स्टेट इन विच यू बाई थिंग्स, मतलब ऐसे सोचो, मतलब ये आप मान लो देखो जो भी चीज जिस स्टेट से खरीदे थे अगर उसी में आप सप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये आपका आ गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ पा रहे नहीं, समझ, देखो जो जीएसटी होता बाबू, इनको आपको टू टाइप से क्लासिफाई किया गया, यहां ध्यान देना, ये जीएसटी है, ये पहला होता है बाबू, देखना यहां से, ये पहला होता है क्या, ये होता है इंट्रा इंट्रा स्टेट सप्लाई, समझ पा रहे हैं ना, और जहां दूसरा क्या होगा बाबू, इंटर स्टेट सप्लाई, समझ पा रहे हैं ना, बस यहां ध्यान देना बस। अगर जहां इंटर, देखो न्यूमेरिकली जब भी आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा ना, वहां बोलेगा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब ये देखना, उसमें मतलब खुद एक ही अपने जिस स्टेट में आपने जो क्या अगर कुछ बाई किया है उसी को अगर परचेज भी जो भी मतलब उसे सप्लाई कर रहे हैं ना, तो अपने ही स्टेट में करोगे, बस यहाँ यही बात आपको सोचने वाली है, ठीक है। और इंटर स्टेट का मतलब सपोज करो हमने दिल्ली में क्या सब क्या कुछ चीज मतलब हमने थिंग्स जो भी खरीदा, ठीक है, लेकिन उसको हम सप्लाई कर रहे हैं क्या मुंबई में कर दिए, तो स्टेट जैसे महाराष्ट्र में, लुक एट हियर, जैसे मान हमने क्या किया, मान यूपी हमने खरीदा, ओके, लेकिन हम उसको कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, उसको मान हम गुजरात में सप्लाई कर दी, ओके, गुजरात में, तो ये एक स्टेट हो गया, एक ये स्टेट हो गया, अदर स्टेट हो गया ना, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, तो डेट इज नोन एज, लुक एट हियर, डेट इज नोन एज क्या, इंटर स्टेट, ओके। अगर जो खुद से अगर मान यूपी में है, अब फिर यूपी में हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया बाबू इंट्रा स्टेट, समझ पा रहे हैं, जैसे मान लो हमने यूपी में थे, इनको हम जो सप्लाई किया कहां, सपोज करो हम इसको महाराष्ट्र में, ओके, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। अब देखो बाबू, ये तो हो गया, अब ध्यान दो, अब ये जो इंट्रा स्टेट और क्या होता है इंटर स्टेट होता है ना, इनके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, ध्यान देना, इंट्रा स्टेट होता है ना, इसमें बाबू एक आपका सी जी एस टी, लुक एट हियर, ये ध्यान दो, ये जो है बाबू आपका इंट्रा स्टेट में देखो, एक सी जी एस टी और एक क्या होता है बाबू एस जी एस टी, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। देखो सी जी एस टी का मतलब बाबू होता है सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल जी एस टी, समझ पा रहे, और एस जी एस टी का मतलब क्या होता है बाबू, स्टेट जी एस टी, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बताओ, और इसका इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जो भी जीएसटी, समझ पा रहे हैं, ध्यान दो, मतलब ये देखो अगर जो भी आपको जीएसटी कहा जाएगा उसमें बाबू आपसे क्या कहा जाए, इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, कहेगा आपसे कि जैसे मतलब क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना वहां दे देगा इंट्रा जीएसटी लग रहा है कि क्या इंट्रा जीएसटी, जहां आपको इंट्रा जीएसटी, यू जस्ट क्लिक इन योर माइंड डेट इन डेट जीएसटी टू जी एस टी वर्क डेट अंडर पर्टिकुलर क्वेश्चन डेट डेट इज सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। अब ध्यान देना सी जी एस टी और एस जी एस टी ना आपस में इक्वल पार्ट में होते हैं। अगर जो सपोज करो बाबू, अगर जो मान लो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लो आपका क्या, लुक एट हियर, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लो क्या आपका, सपोज करो अगर मान लो 18% है तो आपका इसमें सी जी एस टी 9% होगा और क्या, और एस जी एस टी भी कितना होगा 9%, मतलब खुद से एक ही स्टेट में आप काम कर रहे हैं ना, तो दोनों 9, मतलब क्या जो आपसे गवर्नमेंट ले लेगी कितना 9%, सेंट्रल का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, सेंट्रल का मतलब गवर्नमेंट हो गया ना, जो आपकी भारत की गवर्नमेंट है वो आपसे ले लेगी कितना 9%, और ये आपका जो स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे लेगा, ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट वाला छोड़ देगा, ऐसा नहीं, तो आपसे ये क्या करेगा ना, स्टेट वाला भी आपसे 9% जो भी इसमें आपसे टैक्स लेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में, तो ये आपका हुआ बाबू, अगर जहां इंट्रा स्टेट बोला आपको माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए सी जी एस टी और एस जी एस टी, ठीक है, और जहां इंटर स्टेट कर दिया ना, तो इंटर स्टेट का मतलब बाबू डायरेक्ट समझो वो क्या, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इंटर स्टेट, उसमें क्या होता है आई जी एस टी, ठीक है, उसके लिए आई जी एस टी। जैसे देखो जी एस टी की देखो हमने क्लासीफाई किया, ये क्या होता है बाबू सी जी एस टी
दूसरा क्या होता है एस जी एस टी, और देखो तीसरा ये टाइप ऑफ जी एस टी, ये मतलब आई जी एस, समझ पा रहे हैं। ये देखो ये और बाबू ये दोनों मिला करके बनते हैं क्या बताओ, ये इंट्रा स्टेट हो जाते हैं, इंट्रा स्टेट ओके, और ये बाबू क्या है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है। तो ये आपका हुआ बाबू इंट्रा स्टेट और हुआ क्या इंटर स्टेट ठीक है, ये ध्यान देना बाबू ठीक है। और इंट्रा स्टेट में सेंट्रल जीएसटी होता है और क्या होता है स्टेट, जैसे खुद सोचो, जैसे मान लो हम यदि आपसे कहें, मान लो बाबू अगर सपोज करो देखो इसको हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आप इसको कैसे समझोगे ध्यान दो। जैसे मान लो बाबू हम आपसे सपोज करो आपने कि आपने मान लो यूपी में, सपोज करो आपने यूपी में, यूपी में मान लो कि आपने क्या कुछ सामान को बाय किया ठीक है, खरीद लिया ठीक है, तो अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं कहाँ, मान लो कि आप गुजरात में ओके ठीक है, मतलब आप वहां से इसको सप्लाई करना चाहते हैं ठीक है। तो आप करोगे तो पता है क्या होगा, आपसे अगर मान लो वहां किए ना तो आपके पास एक स्टेट ये और दूसरा स्टेट ये ठीक, तो ये तो लेगा ठीक है, मान लो जो भी आपने इसको बाय किया ठीक है, ये तो आपको पैसा दे देगा ठीक है। तो आपसे देखो क्या होगा ना, इसमें इसमें दो जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है यूपी से गुजरात गया ना, मतलब क्या है इसके स्टेट चेंज हो गया ना, जब स्टेट चेंज हो गया तो आपको इसमें क्या होगा जो भी जीएसटी इसमें लगेगा ना इनका, तो इनका जो भी जीएसटी लगेगा एक सेंट्रल का हो जाएगा सेंट्रल और सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा क्या होगा बाबू स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी ठीक है। मतलब इसमें जो भी अगर मान लो 18% अगर आपको जीएसटी लगा हुआ है ठीक है, तो अगर जिस हमने बताया ना देखना ये हम आपको चलो एक फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, ये देखो सी जी एस टी ऐसे लिख सकते हो, सी वेट सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी, एस जी एस टी इक्वल टू होता है आई जी एस टी, इज इट क्लियर और नॉट। अगर मान लो बाबू हम एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में अगर काम कर रहे हैं ठीक है, एक स्टेट से अगर मान लो दूसरे स्टेट में काम कर गए ना, तो उसमें क्या आई जी एस टी लगता है ठीक है। अगर मान लो खुद अपने ही स्टेट में हम काम कर गए, देखो सी जी एस टी, उसका मतलब क्या हुआ सी जी एस टी ठीक है। तो देखो ये आपस में इक्वल होते हैं ध्यान देना, और इन दोनों का सम यदि हम कर देना तो वो इक्वल हो जाता है आई जी एस टी के इक्वल, मतलब अगर समझो ये 18% है ना 18%, तो यानी इसका मतलब क्या 18% है, तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल यानी 9% और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 9%, समझ में आ रहा ना। और आई जी एस टी डायरेक्ट 18% हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये आपका हुआ क्या जी एस टी का मतलब ठीक है। तो अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे हम एक क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा जी एस टी का मतलब, और थोड़ा सा जी एस टी के बारे में और आपको हम बता दे रहे हैं ठीक है, थोड़ा सा देख लो और जी एस टी ठीक है। ये इंटरेस्टेड टॉपिक होता है इसको, यदि अब देखो देखो बाबू लुक एट हियर, जो हमने आपसे कराया देखो यही हमने अभी आपने लिखवाया था ना, लुक एट हियर देखो जी एस टी क्या है, सी जी एस टी यानी सेंट्रल जी एस टी प्लस लुक एट हियर, लुक एट हियर ये देखो ये जी एस टी है, देखो ये जी एस टी हमने यही तो आपसे कहा था ना, ये जो भी जी एस टी इसमें देखो ये आपका क्या बाबू हुआ सी जी एस टी ओके प्लस एस जी एस टी इक्वल टू हमने क्या बताया था आई जी एस टी, इज इट क्लियर और नॉट। देखो ये सी जी एस टी का मतलब हमने क्या बताया था सेंट्रल जी एस टी, यही हमने बताया था ना बाबू सेंट्रल जी एस टी, एस जी एस टी का मतलब हमने क्या बताया था स्टेट जी एस टी, और ये आई जी एस टी मतलब इंटीग्रेटेड 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 जीएसटी, इज इट क्लियर और नॉट। देखो हमने इन दोनों का सम क्या बताया था आईजीएसटी के, वही यहाँ लिखा हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ठीक है। चलो तो ये बाबू बस आपको ये मतलब ये दोनों फार्मूले याद रहने चाहिए ठीक है, इसका यूज आपको करना पड़ेगा ठीक है जब न्यूमेरिकली क्वेश्चन करो। अब देखो बाबू टाइप ऑफ जीएसटी इस मतलब क्या होता है, अब देखो ये कहाँ कहाँ वैलिड होते हैं ठीक है। ये देखो लुक एट हियर, जो आपका सी जीएसटी होता है मतलब इसका मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है, वैलिड क्या इंट्रा स्टेट होता है और कलेक्टेड बाई कहाँ से होता है ध्यान देना, ये जो बाबू ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है। और एस जी एस टी का मतलब क्या होता है, ये हमने बताया था ना बाबू सी जी एस टी या एस जी एस टी का मतलब सोचो आप इंट्रा स्टेट, बस नथिंग मोर देन दिस, बस ये सोचो जहां सी जी एस टी बात कहे एस जी एस टी की बात करे आप पक्का कन्फर्म सोचो यस डेट डेट इज
इंट्रास्टेट जी है, ठीक है, इंट्रास्टेट वहां क्या वैलिड होगा, ठीक है, मतलब इंट्रास्टेट का मतलब खुद अपने स्टेट में, बस ये सोचो। तो वहां देखो आज अपने ये, ठीक है, तो देखो जो जब ये होता ना तो क्या इंट्रा स्टेट होता है, तो हमने क्या बताया था इसमें दो सीजीएसटी एस जीएसटी, यानी आधा गवर्नमेंट जो आपकी इंडिया की गवर्नमेंट वो ले लेगी पैसा आपसे जीएसटी, और जो आधा क्या लेगी आपकी जो यूपी का जो भी गवर्नमेंट होगा या उस स्टेट का जो गवर्नमेंट होगा वो ले लेगा। समझ में? अब देखो आईजीएसटी का मतलब हमने क्या बताया था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या, हाँ देखो यूनियन क्या टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो भी है यूनियन यूटी, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और कुछ हम समझा दे रहे हैं जीएसटी के बारे में, ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अप टू हियर, गुड, ठीक है। अब देखो व्हेन आर जीएसटी एस जीएसटी एंड ये कब एप्लीकेबल होता है, पहले तो ये भी तो आप समझ जाओ ना, ठीक है। ये देखो एप्लीकेबल कब होता है बाबू, देखो व्हेन आर सीजीएसटी, जो भी ये सारे नाम है ये कब एप्लीकेबल होते हैं, ध्यान दो, जीएसटी का मतलब क्या हमने बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजी, ये सारे उसके स्टेट वही हमने बता दिए, सब पहले से बता दिए, ठीक है। देखो ये जीएसटी एक थोड़ा हम आपको चार्ट के द्वारा बताना चाह रहे हैं, देखो जीएसटी ये लुकेट ही है, इसको बाबू हम कहाँ लाते हैं, इंट्रा स्टेट, समझ पा रहे हैं ना, इंट्रा लुकेट है, थोड़ा सही से लिखें, ठीक है, इसको बाबू क्या लिखते हैं, इंट्रा स्टेट, ठीक है। और इसको देखो ये इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब खुद सी स्टेट में, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, देखो ये इंट्रा स्टेट में क्या होता है बाबू, एस जी एस टी, ठीक है, और ये सी जी एस टी, हमने ये पहले से बताया था क्या इंट्रा स्टेट का मतलब, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे क्या बोल सकते हैं, एस जी एस टी और क्या बाबू, सी जी एस टी, समझ पा रहे हैं। और एक होता है क्या, इंटर स्टेट, एक पहला तो जैसे ये देखो ये मतलब हमने यही से बताया था ना जी एस टी, ये देखो अलग ऐसे, और क्या बाबू, ये इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट में आपका बस क्या आ जाएगा, आईजीएसटी, बस करता हूँ, समझ पा रहे हैं ना, तो देखो वही आपको चार्ट के द्वारा, ठीक है, चलो देन ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको, अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, क्या सी जी एस टी एस जी एस टी, ठीक है, आई जी एस टी पर, ठीक है, ये देखो टाइप ऑफ जी एस टी इन इंडिया, वही जो हमने बताया, ठीक है, वही थोड़ा आपको चार्ट के द्वारा इसको रख दिए, ठीक है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। देखो सेंट्रल जी एस टी कलेक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हमने बताया था, एस जी एस टी का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और आई जी एस टी जो भी डेट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया ना, ठीक है, तो थोड़ा सा हम बता के जस्ट एक क्वेश्चन आपसे हम करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो हमने यहां तक आप समझ चुके होंगे, चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, ओके वेट, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आप, वेट, यस, देखो हम तो आपको जीएसटी कराएंगे, ठीक है, जीएसटी भी थोड़ा सा क्वेश्चन देखोगे ना आप समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, ताकि हम कैसे जीएसटी के बारे में जो हम आपसे कह रहे हैं ना इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे आप काम कर सकते हो। देखो मोर अबाउट जीएसटी, जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे अभी चलो हम आपको एक क्वेश्चन, जैसे ये देखो बाबू, ये देखो लुक एट हियर, इस क्वेश्चन को देखो, लुक एट हियर, जैसे ये देखो, जैसे मान लो, ठीक है, ये जैसे देखो क्वेश्चन आपका ये है, यहां से एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में तुरंत आ जाए, हाँ जैसे ये देखो लुक एट हियर कह रहे बाबू, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, लुक एट हियर, आप बाबू इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, अ डीलर इन ए सिटी बाय सम गुड्स जिसकी प्राइस कितना है बाबू, फ्रॉम द सेम सिटी, मतलब ये देखो उसने क्या सेम सिटी से एक क्या एक उसने क्या डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड्स, मतलब कुछ उसने गुड्स सेम सिटी से, ठीक है, क्या बाय किया, ठीक है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, लुक एट हियर, मतलब ध्यान दो जीएसटी का बाबू रेट कितना है, रेट ऑफ जीएसटी बाबू कितना है आपका 18%, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे
अब फॉर द गुड्स बॉट, मतलब वो सामान खरीदने के लिए डीलर को कितने रुपए देने पड़े। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझ जाओगे अच्छे से। देखो इसमें देखो क्या कहा है, पहले ये देखो कह रहा है कोई डीलर है, इसने क्या ये 6000 रुपए में है ना, क्या उस सेम सिटी, आप देखो सेम सिटी का मतलब हमने आपसे क्या बताया था, मतलब सेम सिटी है ना, लुक एट हियर, यहाँ कह रहा है बाबू सेम सिटी, सेम सिटी का मतलब स्टेट सेम हो गया। जब सेम सिटी मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, क्या मीन्स स्टेट सेम, स्टेट सेम, जब बाबू स्टेट सेम हो गया इसका मतलब क्या इंट्रा स्टेट, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा बताओ, इंट्रा स्टेट बस खत्म। जब इंट्रा स्टेट यहां मतलब क्या क्या आपको काम करेगा, यहां सीजीएसटी होगा, वेट सीजीएसटी, और क्या होगा बाबू यहां एसजीएसटी, समझ में आ रहा है ना, यहाँ दोनों काम करेगा, ठीक है। हमने बताया दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये 10% होते भी 10, ये 9 होगा तो भी 9, समझ में आया। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो फॉर जो भी कॉस्ट कितना है बाबू 6000 है, ओके ठीक है, इसमें जीएसटी रेट कितना 18%। अब देखो हमने क्या क्या सीजीएसटी कितना हो जाएगा, अगर बाबू लुक एट हियर, यहाँ 18% जीएसटी बोला ना, लुक एट हियर, अगर जीएसटी 18% है और क्या वो इंट्रा स्टेट है, क्या है इंट्रा स्टेट, जीएसटी कितना है 18%, इंट्रा स्टेट होने का मतलब यहां से क्या सीजीएसटी कितना हो जाएगा, वेट सीजीएसटी कितना हो जाएगा बाबू, सीजीएसटी 9% इसका हाफ बिल्कुल, और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, एसजीएसटी कितना हो जाएगा बाबू, ये भी 9%, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आप दोनों को निकालो, वो देखो इसमें क्या सीजीएसटी, अब 9% इसका निकाल लो और फिर 9% इसका निकाल लो, ओके। और आईजीएसटी का मतलब क्या हुआ, IGST मतलब कुछ है ही नहीं, खुद सोचो IGST का मतलब, ये ध्यान दो IGST का मतलब, देखो इस क्वेश्चन को हम सही से सॉल्व करा रहे हैं, लुक एट हियर क्या है, बस हम क्वेश्चन क्या है 6000 और 18%, ठीक है, हमको क्या निकालना है उसे कितना पैसा उसे देना पड़ेगा। तो ये ध्यान दो, जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम सही से करा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप कर लोगे ना, देन यू कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, सेम यही टॉपिक, बस वो कोई इंट्रा स्टेट बोलेगा या क्या बोलेगा इंटरेस्टेड बोलेगा। देखो कितना था बाबू, अगर तो देखो क्या था 18% दिया था ना, लुक एट हियर 18%, तो यानी जब ये 18% है ये आपका क्या बाबू जीएसटी, ओके। अब ये क्या है इंटरेस्टेड, लुक एट हियर ये है इंट्रा स्टेट, मतलब सेम सिटी बोला है ना, क्यों, क्योंकि बाबू ये बोला है आपका सेम सिटी, तो जब ये 18% इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सीजीएसटी और ये क्या हुआ एसजीएसटी, SGST, ओके तो ये 18 है तो यानी कि ये कितना होगा 9% और ये कितना हो गया बाबू ये भी 9%, ठीक है। अब 6000 का 9% क्या निकालो, CGST निकालो, पहले पहले देखो CGST पहले आप निकालो, CGST कितना, CGST निकालो 6000 कितना 9%, यानी 6000 इंटू 9% मतलब क्या 9 upon 100 00 कैंसिल आउट कितना हुआ 540, इज इट क्लियर और नॉट। अब फिर देखो SGST निकालो, SGST कितना होगा, ये भी 9% है ना, यानी किसका 6000 का कितना है बाबू 9%, इसको सॉल्व करो ये कितना आएगा, ये भी सेम। अब ध्यान देना, अगर IGST हम आपसे पूछ देते तो बताओ कितना होता बाबू, ये सोचो अगर जो भी मेरी सेलिंग जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सेम सिटी में बोला है, मतलब उसी स्टेट में हो गया, जब उसी स्टेट में होने का मतलब इंट्रा स्टेट में मतलब वहां बस दो ही काम करता है CGST और SGST, वहां IGST कितना होगा, वहां IGST एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये तीनों आ गए, अब देखो आपको कितना पे करना पड़ेगा पैसा, तो देखो इसमें आप क्या करोगे, आप सबको ऐड कर दोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो टोटल आप मतलब टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा ना, तो ये यही पूछा है ना, आप देखो 6000 प्लस 540 प्लस 540 अब प्लस ये IGST कितना है 0, अब इसको सबको ऐड कर दो ये कितना होगा 0 8 8 ना, ठीक है ये वेट ठीक इसको ऐड करो ना 0 4 4 8 ओके और 5 5 10 ठीक है और 6 1 7 इज इट क्लियर आर नॉट। देखो यानी आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो यही वाला क्वेश्चन था, वेट कहाँ था क्वेश्चन, वेट देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बस बाबू पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं इसमें, बस CGST SGST और क्या इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट बस यही कहा जाएगा, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आप देखो इसको आसानी से कर सकते हो,
ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन कहाँ था, वेट आपसे हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्या था, हाँ ध्यान देना, अगर मान लो इंटर स्टेट में होता तो देखो यही था ना, लुक एट हियर, देखो यही था, देखो द डीलर विल पे कितना, यही था ना, देखो 6000 प्लस 540 प्लस 540 प्लस जीरो, इसका मतलब ये, मतलब समझ में, देखो यहाँ केस में लिखा है इन दिस केस आप इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे ना, मतलब खुद अपने एक ही सिटी में है ना, तो वहाँ इंट्रा स्टेट, अगर यही मान लो अनदर सिटी बोला होता, मतलब अनदर सिटी मतलब क्या स्टेट चेंज हो जाता, उस केस में आपका क्या होता है इंटर क्या है ये इंटर स्टेट मतलब जीएसटी लगता उसमें क्या आईजीएसटी, समझ पा रहे हैं आईजीएसटी, वहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ डिवाइड नहीं होता, अगर 12% है तो एग्जैक्ट 12% लग जाएगा, वहाँ ऐसे नहीं कहोगे यहाँ 6% और यहाँ 6%, ऐसा कुछ नहीं है, 12 का 12। जैसे देखो इस क्वेश्चन के देखो, गिवेन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ द सम फाइनेंशियल सर्विस इन द सेम सिटी, देखो टैक्सेबल अंडर द जीएसटी कॉस्ट ऑफ सर्विस दिस 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 रुपीज, इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12% फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दिस क्या सर्विस। अब देखो इसमें क्या सेम क्या बोला है, यहाँ देखो बस आपको बाबू यही देखना होता है, सेम सिटी है क्या, सेम सिटी है, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप खुद बताओ, सेम सिटी का मतलब इंट्रा स्टेट, समझ पा रहे हैं ना। अब देखो इंट्रा स्टेट में हमने क्या बताया, सेम हमने आपको बताया ना, उसमें क्या काम करेगा, उसमें अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट इसका मतलब क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी और ये आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल मतलब ये अगर सोचो अगर जो क्या अगर टोटल मतलब जीएसटी कितना है मान लो 12% है तो क्या इसमें से सीजीएसटी कितना हो जाएगा 6% और एसजीएसटी कितना हो जाएगा ये भी आपका 6%। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इस पे बाबू आप अ लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू इटसेल्फ, ठीक है, और ये सबसे आसान चैप्टर होता है, बहुत टफ नहीं है, आप सही से करोगे ना देन यू कैन डू इन अ वेरी इजी वे, ठीक है। और सेम यही बस इंटरेस्ट जानो, इंटरेस्ट बस मैक्सिमम यही देगा, ठीक है, खुद अपने ही स्टेट में हो रहा है कि अदर स्टेट में जा रहे हो, बस या सिटी में ही इसी का बात मेंशन होगा एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम योर, ठीक है, योर टेक्स्ट बुक और यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक एस यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम क्या जैसे कंपटीशन लेवल्स के भी आप चाहो तो क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाबू यहाँ आपको आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अप टू हियर फ्रॉम वेरी वेल, ठीक है। फिर बाबू नेक्स्ट टॉप लेक्चर से हम कुछ और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे करा देंगे, उसके बाद देन यू ये लेक्चर टॉपिक मतलब क्या खत्म ही, बहुत इसमें कुछ है नहीं, इसका इनपुट वगैरह थोड़ा हम आपको बता देंगे और क्या इसमें कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है, बस यही है, इसमें कुछ है नहीं, बस यही आपको थोड़ा सा बेसिक जानना था, ओके ठीक है। तो फिर बाबू मिलते हैं हम क्या ओके नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके ओके थैंक यू।